Hey fellas, it's your bro Gamerverse और आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने वाले हैं दो बहुत ही ऑसम कैरेक्टर्स का। इस बैटल का पहला कैरेक्टर है तांजिरो कमाडो फ्रॉम डीमन स्लेयर और हमारा सेकंड कैरेक्टर है डांटे फ्रॉम डेविल मे क्राई सीरीज। इस बैटल में हम डांटे के डेविल फॉर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो तांजिरो के लिए बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। सो अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो गाइस पहले बात करते हैं डांटे की। तो डांटे मेन प्रोटैगनिस्ट है डीएमसी सीरीज का। डांटे हाइब्रिड है हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन का, जिसके कारण डांटे में डीमंस की पावर्स के साथ साथ ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। डांटे के पास है एबिलिटी टू रीजनरेट, सुपर ह्यूमन विल पावर, इनहेंस सेंसेस, डिमोनिक एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर सोनिक स्पीड, सुपर ह्यूमन एंड्योरेंस और भी बहुत सारी एबिलिटीज। अगर बात करें डांटे के फीट्स की, तो डांटे ने बहुत ही बड़े कंक्रीट पिलर को अपने एक सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय किया है। डीएमसी यूनिवर्स में ये भी कहा जाता है कि डांटे हेल गेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि किसी भी ऑर्डिनरी स्टील के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत मानी जाती है। डांटे की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ही फास्ट है, वो बड़े से बड़े वुंड्स को भी इंस्टेंटली रीजनरेट कर लेता है। डांटे की स्पीड किसी नॉर्मल ह्यूमन या किसी ट्रेंड एथलीट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। डांटे बहुत से वेपन्स को चलाना जानता है, वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। अगर बात करें डांटे के वेपन्स की, तो इस स्वॉर्ड बैटल के लिए भी डांटे के पास बहुत ही वैरायटी ऑफ वेपन्स मौजूद है, जैसे द रिबेलियन स्वॉर्ड, अग्नियन रुद्रा, फोर्स एज, एलेस्टर स्वॉर्ड ऑफ स्पाडा, यमाटो स्वॉर्ड एंड मैनी मोर। डांटे की वेपन हैंडलिंग स्किल और उसका कॉकी बिहेवियर उसे बहुत ही ज्यादा डेडली अपोनेंट बनाते हैं। सो गाइज अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी तांजिरो कमाडो की। तो तांजिरो कमाडो मेन कैरेक्टर है डीमन स्लेयर एनिमे सीरीज का। तांजिरो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, वो किसी भी डीमन की स्मेल से पहचान सकता है कि वो गुड पर्सनैलिटी का डीमन है या इविल पर्सनैलिटी का। तांजिरो को एनिमे वर्स का जॉन विक कहा जा सकता है। जैसे जॉन विक अपने डॉग के लिए ऑब्सेस्ड है, सेम उसी तरह तांजिरो भी अपने सिस्टर नेजुको के लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये हम एनिमे में बहुत बार देख चुके हैं। अगर बात करें तांजिरो के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो तांजिरो के पास है सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ, इनहेंस स्मेल, टेलीपैथिक एबिलिटी, जीनियस इंटेलिजेंट, एक्रोबेटिक्स, एम्पैथेटिक मैनिपुलेशन, ओवरवेलमिंग ऑरा, स्टैटिक्स एम्पलीफिकेशन, एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन, रीजनरेशन नेगेशन, फायर मैनिपुलेशन, वाटर मैनिपुलेशन एंड और भी बहुत सी एबिलिटीज। अगर बात करें तांजिरो के फीट्स की, तो तांजिरो बहुत से डीमंस को बड़ी ही आसानी से मार चुका है। उसने कई ऐसे डीमंस को भी मारा है जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी। तांजिरो अपनी फाइट्स में कुछ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है, जो कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। ये ब्रीदिंग टेक्निक हर डीमन स्लेयर यूज करता है। इसके यूज से उनकी स्ट्रेंथ डीमंस के बराबर या उनसे बहुत ज्यादा हो जाती है। तांजिरो मोस्टली वाटर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसमें से सबसे पावरफुल अटैक है वाटर स्प्लैश, केओस एंड द ड्रैगन ऑफ चेंज। तांजिरो वाटर ब्रीदिंग के साथ साथ सन ब्रीदिंग या फ्लेम ब्रीदिंग का यूज भी कर सकता है, जिसका कॉम्बिनेशन उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट साबित करती है। सो गाइज ये थी इन दोनों ही कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज। अगर बात करें कंक्लूजन की कि इस बैटल का विनर कौन होगा, तो इन माय ओपिनियन इस बैटल का विनर डांटे होगा, क्योंकि डांटे की स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी या कोई भी एबिलिटी तांजिरो से कई गुना ज्यादा है, जो कि उसे इस बैटल में बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली है। आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर कौन होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप गेमिंग, गुड बाय।